ये इंजन माल फंक्शन की लाइट आ रही है, इसका रीजन सीटिंग में दो चीजों में इशू है। एक तो ये जो ड्राइवर साइड के अपोजिट वाली को पैसेंजर वाली जो सीट है ना, कई लोग ना शोरूम वालों से मतलब सर्विस सेंटर वालों से इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट भी चलता है कि यार एवरेज ही नहीं दे रही, आपने बोला था इतना है, उससे ज्यादा एसयूवी कहना इनको थोड़ा सा ना बेईमानी वाली बात हो जाएगी बिग डैडी के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अभी जयपुर में एक खास गाड़ी यहां पर देखने आया हूं। उस गाड़ी के ओनर ने हमें इनवाइट किया था और वो गाड़ी ऐसी है, अच्छी खासे नंबर्स में बिकती है, काफी कम समय में काफी ज्यादा उसने नाम कमाया है और वो गाड़ी है किया की सेल्टोस। अब तो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन इस सेल्टोस की खास बात ये है कि ये लगभग लाख किलोमीटर चल चुकी है। शाहरुख की ये गाड़ी है। शाहरुख बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। 2020 है ये सेल्टोस, डीजल में है और 97,000 के आसपास चल चुकी है। एक बार इसकी जो टाइमिंग बेल्ट वाली जो सर्विस है वो भी हो गई है ना। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर्विस की जो हिस्ट्री है इसकी वो बताइए, क्या क्या अभी तक चेंज हो चुका है और सबसे ज्यादा सर्विस की कॉस्ट कितनी आई थी? सबसे ज्यादा सर्विस की कॉस्ट देखो भैया मेरी 90,000 जो अभी हुई 92 पे, हाँ, वो हुई थी मेरी 10,700 के लगभग, सबसे हाईएस्ट अभी तक। अच्छा, जिसमें टाइमिंग बेल्ट चेंज, जिसमें बेल्ट भी चेंज हुई है और फ्रंट वाले दोनों पैड्स भी चेंज हुए हैं। और ये किया की सर्विस सेंटर में हुई है? सारी अभी तक मेरी सारी कंपनी में ही हुई हुई है। मतलब इसमें क्या चलता है कि एक सर्विस आपकी थोड़ी सी कम प्राइस में होगी, फिर ऑल्टरनेट चलती है क्योंकि वो डीजल फिल्टर का एक तो चेंज होना रहता है, एसी फिल्टर में हर सर्विस पे चेंज करवाता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा काम में ज्यादा आता है तो वो खराब हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखे जाए ना तो 5700 के अराउंड मेरी एक रेगुलर रहती है और 5700 और 6200 यही दोनों ब्रैकेट चलता रहता है। और डीजल गाड़ी होने के बावजूद भी इतना कम खर्चा, वाकई में इतना कम खर्चा आ रहा है? मैं इससे पहले भैया मेरे पास i20 थी, बेस मॉडल पेट्रोल, उसका सर्विस कॉस्ट इसके सेम लगभग बराबर बैठता था। सर्विस के मामले में काफी पॉकेट फ्रेंडली है। जो पार्ट इसमें अभी तक चेंज हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं? जैसे आपने फ्रंट ब्रेक पैड चेंज हुए, हाँ, और रियर का अभी भी जैसा कंपनी वालों ने बताया ना कि 20-25,000 आराम से चलना है रियर वाले। और सबसे बड़ी बात, ये अभी जो है स्टॉक टायर्स चल रहे हैं, मतलब इनका प्लान है कि जब लाख किलोमीटर हो जाएगी गाड़ी उसी दिन ये टायर्स को चेंज करवाएंगे। गाड़ी चलाने का तरीका काफी सही लग रहा है मुझे इनका जो है। और मुझे एक बात बताइए, 2 साल में इतनी ज्यादा रनिंग कैसे? मेरी मोस्टली रनिंग दिल्ली NCR में ही है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और जयपुर। एक बार गाड़ी, एक या दो बार गाड़ी अहमदाबाद भी किया है, देहरादून भी गई है, कश्मीर भी गई है। तो मतलब मोस्टली वही है मेरा, दिल्ली के रेगुलर रहता है महीने के 2 से 3 चक्कर, मेजरली यूज हाईवे का ही है। और उसमें एक चीज मैटर ये भी करती है, जैसे हम लोग चलाने वाले सिर्फ दो ही, दोनों भाई चलाते हैं, तो वो एक वो नहीं है कि ज्यादा हाथों में गाड़ी चल रही है, तो उसका भी काफी मैटर करता है। क्लच बिल्कुल सही कंडीशन में अभी तक हमारे अकॉर्डिंग तो सही है, बाकी आप जब अभी चलाओगे तो आप ज्यादा जानते हो। अच्छा, वैसे शाहरुख का भी यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, राइड्स वगैरह करते हैं, टू व्हीलर का काफी अच्छा शौक है, तो आप इनका चैनल जरूर देखना एक बार। और सर्विस के भी सारे वीडियोस मेरे पास, 10,000 से लेकर के 92 तक सब अपलोडेड है डिटेल में। अच्छा, विद प्राइसिंग। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताइए थोड़ा। फ्यूल एफिशिएंसी भैया कई लोग इस चीज को मानेंगे नहीं, पर मैं एक फोटो में आपको दे दूंगा, मैंने इससे 40.2 का या 40.8 का भी एवरेज निकाला हुआ हाईवे पे। अच्छा, MID की बात? MID पे। अच्छा, टैंक टू टैंक कितना आता है? टैंक टू टैंक देखो भैया कभी कैलकुलेट किया नहीं, इजीली हाईवे पे गाड़ी देके जाती है 22 से लेकर के 23-24 MID पे। अब मुझे एक बात बताओ, जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है लेने के बाद आई थी या पहले आ चुकी थी? लेने के बाद आई थी। बाद आई थी, झटका लगा था? झटका है सच कुछ नहीं लगा था, क्योंकि मुझे उतनी बुरी भी इसकी बिल्ड क्वालिटी लगती नहीं है, सिर्फ दो चीजों के, दो चीजें इसकी भैया काफी है। एक तो फ्रंट बम्पर, एक तो ये जब आप पूरी हाउसिंग उतार लेते हैं ना इसमें से, जैसे कि ये वाला पार्ट उतर गया, फॉग लैम्प हाउसिंग उतर गई, तो ये छोटा सा लगता है बम्पर रखा हुआ। अच्छा। बम्पर और एक फ्रंट वाला जो विंडस्क्रीन है, ये मेरा तीसरी बार अभी भी टूटा हुआ है, देख सकते हो अभी भी इस पे क्रैक है। जैसे हाईवे पे चलते हैं जो ग्रेवल्स उड़ के आते हैं आगे वाली गाड़ी से, तो स्पेशली ट्रक के पीछे मोटा टायर रहते हैं, तो वो उसकी वजह से ये काफी टूटता है। और एक फ्रंट बम्पर, आज की तारीख में आपको गाड़ी लेनी होती तो आप किया सेल्टोस पे ही जाते या फिर और भी अगर दूसरे ऑप्शन हैं? आप तो ये रिसर्च वगैरह करते रहे। जब मैंने i20 ली थी ना, जब भी मैं स्कॉर्पियो लेने गए थे हम, अच्छा, तो तब भी घर वालों को पसंद नहीं आई थी। ये लेना था, जब भी हम ब्लैक स्कॉर्पियो लेने गए थे, अच्छा, तब भी पसंद नहीं आई। अब एन आने के बाद अब चेंज हो सकता है घर वालों को माइंडसेट भी। अगर आपका बजट नहीं है तो बेस मॉडल डीजल ले लो, सारे पैसे भी पूरे करके जाएगी, पैसे वसूल भी करके जाएगी और लंबा चलोगे भी। एक सरदर्दी नहीं रहती दिमाग में ना कि अभी यार ये हो रहा है, सर्विस सेंटर पे गाड़ी खड़ी है। अब वो देखो, एक कह सकते हैं कि हर प्रोडक्ट एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल 10 में से एक प्रोडक्ट में कोई गलती भी आ जाती है। बिल्कुल, स्टाफ का देखा जाए ना, स्टाफ का बिहेवियर किया का,
तो शोरूम स्टाफ और सर्विस सेंटर का जो स्टाफ है, रात और दिन का अंतर है भैया। शोरूम स्टाफ आपको जब तक पूछेगा जिस दिन आपने गाड़ी डिलीवरी ले रहे हो, उसके बाद से आप कौन हो उनको कोई लेना देना नहीं है। जयपुर में दो डीलरशिप है, एक काफी अच्छा है, एक बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्टाफ है। हालांकि मैंने उससे गाड़ी भी नहीं ली है, फिर भी वो मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, हाँ। और जो दूसरा स्टाफ है ना भैया, वो शोरूम खुद का ही समझते हैं। ये डिपेंड करता है टोटली डीलरशिप कैसी है, डीलरशिप कैसी है। हाईवे में हेडलाइट्स वगैरह कैसी है? हेडलाइट तो मैंने सुना है काफी लोगों से कि काफी अच्छा परफॉर्म करती है। बहुत अच्छी है ये वाली। मुझे पर्सनली अब देख लो ना, मैंने 1,00,000 चला दी, अभी तक ये चेंज नहीं करवाई, तो अच्छी होगी। अब मैं फॉग में क्या करता हूँ, जैसे फॉग आने वाला है तो मैं ये है ना जो फॉग लैंप है अपने, ये येलो कर देता हूँ टेप से, तो बिल्कुल और ज्यादा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। एक बात बताइए, क्रेटा चलाई है आपने नई वाली? हाँ। दोनों के चलाने में क्या अंतर है? लगभग कह सकते हो 19 और 20 का मुझे तो सेम ही लगा। एक थोड़ी सी बस वही है, हाई सीटिंग का हर चीज पे अलग डिफरेंस पड़ता है, तो वही हल्का फुल्का फर्क था। बाकी ड्राइविंग डायनामिक्स कह लो, कुछ भी कह लो, सब मुझे तो सेम ही लगा। पर जैसे मैं चला रहा हूँ तो मैं हाईवे पे, इस पे आप जैसे ओवरटेक कर रहे हैं, कटिंग वगैरह हो ही जाता है हाईवे पे, अपन ना चाहते वो भी, पर कई बार सिचुएशन बन जाती है कि अपने को निकालना ही है यहाँ से, तो उसमें कोई ऐसा बॉडी रोल वगैरह कोई चीज है नहीं। उसमें कह सकते हो उनको कंपनियां हाइप बनाती है एसयूवी करके, पर मैं मेरे वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जो यहाँ पर हैंडल आता है ना ग्रैब रेल छड़ने के लिए, जिस गाड़ी में वो नहीं है वो एसयूवी नहीं है। सही बात। ये कार वाली है, थोड़ी सी ऊंची है, हल्की फुल्की ऑफ रोड कर सकते हो, उससे ज्यादा एसयूवी कहना इनको थोड़ा सा ना बेईमानी वाली बात हो जाएगी बिग डैडी के साथ। बात ये है कि अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है तो कहीं पर आप फंसते नहीं हो जी, है ना। तो अब इसको चलाकर देखते हैं 1,00,000 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी जो है कैसी चल रही है। अच्छा, ब्लैक कलर की आपने गाड़ी ली है, मेंटेन करना मुश्किल होता है क्या? जब हमने ली नहीं थी तो बहुत इजी लग रहा था, अरे ले लेते हैं, लड़का है धोने वाला वो धो देगा। पर जब उसने गाड़ी धोई ना लेने के एक हफ्ते बाद ही, तो पूरी गाड़ी उसने सोइल मार्क से भर दी थी। फिर हमने जब करा स्टडी, उस टाइम पे ना पीपीएफ का इतना चलन था नहीं, तो हमने सेरेमिक करवा ली थी अच्छी जगह से। मतलब इसमें भी काफी मेजर रोल रहता है। देखो, अगर आप लोगों को भी एज अ व्यूअर पता करना हो कि सेरेमिक कहाँ से करवाएं, तो देखो काफी सारी शॉप्स हैं, पर करवाओ रेनाउंड जगह से। पर सेरेमिक का ये एक टाइम की रहती है उसमें भी ना, उसके बाद वो एक गर्मी वाली सीजन है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, यहाँ पड़ती है गर्मी, तो वो सेरेमिक कहाँ है कहाँ नहीं है वो कह सकते हो आप, मतलब बस ऐसा ही है। अगर आज की डेट में मैं गाड़ी लूं ब्लैक, और मैं ना फर्स्ट चॉइस पीपीएफ ही रहेगा, चाहे मैट हो ग्लॉसी हो वो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बजट रहता है उसमें। मेरी सेरेमिक हुई थी भैया लगभग 25,000 के अराउंड। अब आपको पता है वही पीपीएफ करवाते तो 1,00,000 के अराउंड बैठता है सेटअप, पर ज्यादा यूज अगर है तो पीपीएफ रिकमेंड करता हूँ मैं तो। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज ये है कि इंजन जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, बहुत अच्छा पंचेस में मिल रहा है, बट थोड़ी बहुत ना अलाइनमेंट के इशू यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। और आपके मैं टायर देख रहा हूँ, कोई ज्यादा घिसा हुआ है, कोई कम घिसा हुआ है? ये जो ड्राइवर साइड वाला टायर है ना, ये 40,000 पे मेरा एक टायर फट गया था चलते चलते, फेरो कवर होते हैं ना अपने रोड पे, उससे कॉर्नर से हटके और वो टायर फट गया था। उस वजह से मैंने कंपनी में भी दिखाया था इशू, तो उन्होंने बोला एक बार आप टायर चेंज करवा लो, अगर ये इशू तब भी आए फिर अपन बात करेंगे। क्यों उन्होंने बोला था, एक टायर आपका थोड़ा गाड़ी के साथ वाला एक चेंज है, तो वो वाली बात हो सकती है इसमें। बट यार शाहरुख, कहीं ना कहीं मुझे महसूस करने को मिल रहा है कि ये जो सीटें हैं, सीटों की लॉकिंग है उतने अच्छी क्वालिटी की नहीं है, सीटों की जो रेल्स हैं जिसमें आगे स्लाइड करती है वो यूं हिल रही है, ये आपने दिखाया नहीं क्या कि हमें, या ऐसी है शुरुआत से? नहीं है, शुरू से ऐसा ही है। इसमें सीटिंग में दो चीजों में इशू है, एक तो ये जो ड्राइवर साइड के अपोजिट वाली को पैसेंजर वाली जो सीट है ना, ये अगर इस पे जब तक कोई बैठा नहीं है, जब तक ये खाली है ना, ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों आपको इसमें ना एक प्ले है, जो बैक रेस्ट है इसमें एक प्ले है, तो उसका एक नॉइज आता है, बैठने के बाद कोई इशू नहीं है। और एक जो रियर वाला बैक रेस्ट है इसमें भी इशू था, तो ये मैंने दिखाया था, तो इसपे क्या जो इसका एक क्लिप होता है ना जिसमें सीट रुकती है, तो उसका वो भी मेटल था, दूसरा भी मेटल था, तो वो मेटल बचता था, उसकी वजह से एक रैटलिंग नॉइज बनती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने ना एक कवरिंग कर दी थी, उसके बाद से कोई इशू है नहीं। जो प्ले आप कह रहे हैं ना, प्ले मेरे को महसूस हो रही है इसमें, ये इस टाइप की ना ऐसे हिल रही है सीट, तो ये क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि आने इस मामले में, क्योंकि ये पता तब चल रही है जब इतनी चल चुकी है गाड़ी, इंटीरियर अभी भी वैसा शाइन कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीरियर की मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ये लाइट कलर है, लोग कहते हैं यार गंदा जल्दी होगा, इस वजह से भी कई लोग ना चॉइस बदल देते हैं कि इसमें ये लाइट कलर का है। 1,00,000 किलोमीटर चला लिए, मैंने सिर्फ अभी तक एक बार ड्राई क्लीन की है। किन लोगों को रिकमेंड करेंगे आप इस सेल्टोस को? भैया पेट्रोल तो मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कई लोग, बहुत सारे लोगों का, मैं जैसे सर्विस सेंटर वगैरह जाता रहता हूँ, एक सोनेट का भी साथ में यही कंबाइंड है दोनों का, कई लोग ना
शोरूम वालों से, मतलब सर्विस सेंटर वालों से इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट भी चलता है कि यार एवरेज ही नहीं दे रही, आपने बोला था इतना है, एवरेज ही नहीं दे रही, पेट्रोल वाले खास करो, डीजल वाले हंसते हुए आते हैं। तो ये है, और रिकमेंड मैं करूंगा जिनकी रनिंग ज्यादा है उनके लिए खासकर रिकमेंड है, क्योंकि रनिंग है प्लस फ्यूल एफिशिएंट कार है, तो आपकी जेब पे भी हल्की पड़नी है, सर्विस कॉस्ट है वो भी हल्की पड़नी है। अगर एवरेज से मतलब नहीं है तो जीटी लाइन आप लोग इजीली प्रीफर कर सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। जो शाहरुख की ये इंजन माल फंक्शन की लाइट आ रही है, इसका रीजन ये पता चला? कल ही आई है। कल आई है? हाँ, ये कल से ही आने लगी है, और हो सकता है मैं आपके पास से जाता हुआ एक पहले सर्विस सेंटर में इसको स्कैन करवाता हुआ लेके जाऊंगी क्या इशू है इसका। दो लाइट है, एक है जो वाइपर वॉशर में पानी नहीं है उसकी आ रही है, और जो दूसरी वाली लाइट है ये कल रात से ही आने लगी। ना ना, वाइपर वॉशर वाला नहीं है, टीपीएमएस वाली लाइट है ये टीपीएमएस एक टायर में इसमें पंचर है पीछे वाले में ना। अभी की तारीख में क्या सीन है पता है, डीजल में बहुत सारे ऑप्शन है नहीं आपके पास। अगर आप मिड साइज सेगमेंट में जाओगे तो सेल्टोस क्रेटा यही है मोटे मोटे तौर पे, फिर हैरियर को मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर वाला सेगमेंट हो गया, क्योंकि गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है। कुशाक में डीजल इंजन नहीं है और आपका टाइगून में नहीं आता, तो एक तरीके से डीजल गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपकी मजबूरी भी बन जाती है, और लेते हैं तो कोई परेशानी भी नहीं होती, जैसा कि शाहरुख को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही है और ये इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव बताओ यार एक आध। तो दो चीजों की बिल्ड क्वालिटी वो मैंने बताई दी आपको। हाँ। और थोड़ा सा सिटी में अगर आपको आदत है ना हाईवे पे चलने की, हाईवे पे एमआईडी शो कर दी 20-22 का, पर सिटी में आने के बाद वो आ जाता है जैसे मान लो कम से कम भी 12 ही आता है, 12 से 15 का, तो थोड़ा सा एक वो रहता है, एक अपना जो विंडस्क्रीन है काफी टूटता है, अभी भी इस पे क्रैक है, ये मेरा शायद तीसरी बार ये चेंज होना है। अभी आपने क्लेम लिया हुआ था कुछ टाइम पहले जैसा कि आप बता रहे थे फोन पे मुझे, तो उसमें कोई परेशानी वगैरह ऐसा कुछ हुआ या आसानी से मिल गया? भैया मैं क्लेम ले चुका हूँ 3 बार। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे जितना अपन इंश्योरेंस में दे रहे हैं ना, क्योंकि काफी अच्छे खासे रुपए में इंश्योरेंस होता है, तो उसको अपन वसूल भी तो करें। जो मेरा लास्ट क्लेम था ना 12 दिन में गाड़ी दे दी थी, इसमें भी मुझे उन्होंने मेजर टाइम जो मुझे लगा था वो था एक तो ग्रिल और जो एलईडी स्ट्रिप आती है ना, उनका कहना था कि बम्पर हुआ, फ्रंट ग्लास हुआ, ये हम स्टॉक में रखते हैं, पर कई चीजें ऐसी होती है जो ऑन ऑर्डर आती है। उससे पहले वाला जो क्लेम रहता था जिसमें छोटा एक रनिंग पार्ट टूटता है तो वो दे देते हैं 3 या 4 दिन पे। अगर इंश्योरेंस करवा रहे हो ना तो पहले एक बार आपकी कंपनी जो है, जिस भी कंपनी की कार चला रहे हो, वहां पर उसका जो एक इंश्योरेंस क्लेम वाला जो एरिया है ना, वहां पर आप ये पूछो कि इस कंपनी का भाई मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, सपोज कोई भी एक्स वाई जेड, कि इसका क्लेम प्रोसीजर कितना फास्ट है, वही आपको बता देगा बंदा, क्योंकि ये चीज उसमें भी काफी मैटर करती है। कंपनी वाले बोलते हैं बोले हमारी तरफ से गाड़ी रेडी है पर आपका जो सर्वेयर है वो ही नहीं आया। एक चीज आपने नोटिस करी, जैसे कि अभी ये गाड़ी जो है 1200-1300 आरपीएम में चल रही है, जैसे टर्बो की रेंज में आ रही है, जैसे मैं पिक कर रहा हूँ इसको, तो ये वाइब्रेट कर रही है, देखना आप, ये इसी वजह से तो लाइट नहीं आई है, हो सकता है। एक बार दिखवा लेना। अच्छा, सर्विस में कुछ जबरदस्ती चेपने की कोशिश तो नहीं करते किया वाले? ये करते हैं, मेरे साथ नहीं करते क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें कि क्या करना है। आते हैं कई लोग नए वाले फर्स्ट सर्विस वाले, उनके साथ वो खेलते भी हैं फिर उसी तरह से। जैसे हम बात कर रहे थे क्लच की, क्लच बिल्कुल सही कंडीशन में है, और ओवर द टाइम थोड़ा सा हार्ड होते जाता है, और थोड़ा सा हार्ड हो गया लेकिन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। सेल्टोस चला ली 2 साल, 2 साल में अच्छी खासी रगड़ दी आपने। अब नई गाड़ी का प्लान अगर कर रहे हो फ्यूचर में, तो अभी के हिसाब से जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या लोगे आज की डेट में, अगर मुझे गाड़ी लेनी हो, ये कहीं जानी नहीं है, इसके साथ अगर एक गाड़ी और लेनी हो तो पहले मैं एक सोच रहा हूँ छोटी गाड़ी लेने का। अच्छा, है ना, छोटा हैचबैक सिटी यूज के लिए, मोर ऑफ सिटी यूज के लिए, और ये गाड़ी जैसा मोस्टली रहती है टूर्स पे, तो घर पे एक गाड़ी की नीड रहती है, तो उसके हिसाब से हम कोई एक एंट्री लेवल हैचबैक स्विफ्ट वगैरह टाइप कुछ लेने का प्लान कर रहे हैं। पर अगर बड़ा लेना हो ना तो भैया एक ही चीज है, अभी जो चीज आपने चूज कर ली ना ऑलरेडी, स्कॉर्पियो एन। अच्छा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग काफी स्कॉर्पियो एन या फिर XUV700 दोनों ही ना प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं। अगर आप देख लो फॉर्च्यूनर की रेट क्या ही चल रही है, उसके रेट में 2 स्कॉर्पियो लेकर के मैं बढ़िया फील करूंगा। वैसे जब गाड़ी कोई खर्चा ही नहीं करवा रही है तो बेचने का क्या फायदा है? तो कहने का मतलब है बड़ा ही आसान है इसको मेंटेन करना, बड़ा ही पॉकेट फ्रेंडली है, चाहे आप रोड में चलाइए या फिर सर्विस सेंटर में ले जाइए। तो अभी तक का ये एक्सपीरियंस है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। टायर लगेंगे 1,00,000 किलोमीटर में, इनकी वीडियो में देख लेना आप टायर कौन से लगवाएंगे, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू अगेन यार। बाय बाय।